मजदूर नेता एवं करनी सेना के जिलाध्यक्ष रजनीश सोनी ने श्री लाल बहादुर शास्त्री स्वास्थ्य संस्थान नियर चौक में आउटसोर्सिंग पर नियुक्त किए गए सफाई कर्मचारियों के साथ भेदभाव होने की बात कही है। उनका कहना है कि संस्थान में अपने चाहने वालों को कागजों में सफाई कर्मचारी दर्शाकर आरामदायक स्थानों पर बिठाया गया है, जबकि आउटसोर्सिंग से आए हुए सफाई कर्मचारियों के साथ भेदभाव हो रहा है। भाई कोई भी कार्रवाई करनी है यहाँ पे पहले सूचना देनी है, नहीं तो गेट से बाहर होगी जो भी कार्रवाई करनी है। उसका भी ये कह रहे हैं कि जो हमारा काम है, हम 140 लोग लगे थे, फिर 100 लोग वार्ड अटेंडेंट आ गए। अब नियर चौक मेडिकल कॉलेज में करनी सेना ये लड़ाई लड़ेगी। सभी सफाई कर्मचारियों को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि करनी सेना आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ी है, और आपके साथ जो आपके हितों की रक्षा के लिए हम करनी सेना जो हमारा संगठन है, सामाजिक संगठन, वो आएगा मैदान में और करनी सेना आपकी लड़ाई लड़ेगी। जो अनियमितता यहाँ पे जो भर्तियों में की जा रही है, जो यहाँ पे जो भेदभाव का आरोप, जो बंद दरवाजे से बैकडोर एंट्री से भर्तियाँ की जा रही है, उसकी जांच होना आवश्यक है, और उसके लिए हम करनी सेना जो हमारा संगठन है वो लड़ाई लड़ेगी, और जरूरत पड़ने पर हम सड़कों पर भी उतरेंगे। कई ऐसे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी जो 3 सालों से काम कर रहे हैं, और कई ऐसे जो अभी 2 दिन पहले 4 दिन पहले बंद दरवाजे से बैकडोर एंट्री से भर्ती होके आए हैं, तो सफाई कर्मचारी कागजों में सारे के सारे सफाई कर्मचारी हैं, और उनकी श्रेणियां यहाँ पे सिक्योरिटी है, सफाई कर्मचारी है, वार्ड अटेंडेंट और पैरामेडिकल स्टाफ है, जिनकी अलग अलग 4 कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं। जो सफाई कर्मचारी है न्यू विजन एस्कॉर्ट सर्विस के थ्रू शिमला के थ्रू रखे गए हैं, और कई ऐसे सफाई कर्मचारी हैं जो कागजों में सफाई कर्मचारी है पर काम वो पीएन का कर रहे हैं, चौकीदार का कर रहे हैं, क्लर्क का कर रहे हैं, पर्ची काटने का कर रहे हैं, जिनकी पहुंच ऊपर वाले नेताओं से, ऊपर वाले प्रशासन से ज़्यादा है, वो यहाँ काम कर रहे हैं। और जो गरीब लोग हैं, जो गरीब कर्मचारी हैं, उनके साथ शोषण किया जा रहा है, तो करनी सेना इन गरीब लोगों के साथ है, इन गरीब कर्मचारियों के साथ है। उसका भी ये कह रहे हैं कि जो हमारा काम है, 140 लोग लगे थे, 100 लोग वार्ड अटेंडेंट।